अभी चलते हैं इसी घर पे जाके मैं फोन चार्ज करूंगा और आशु को कुछ खिला पिला लेते हैं, उसको भूख लगी होगी। ये मेरे साथ ऐसे ही खज्जल हो गया। ये है यहाँ पे पीर पंजाल का व्यू, इवनिंग व्यू ऑफ पीर पंजाल माउंटेन्स। देखो लाइक स्नो कवर्ड माउंटेन्स कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं ना। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और जल्दी उठ गए हैं हम, आंखें सूज गई हैं, थोड़ी सी नींद अच्छे से ले ली थी मैंने। भाई मैं ज़्यादा ज़ोर से इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि बाकी सभी अभी सोए हुए हैं। तो बशीर अंकल जो कि मेरे फूफा जी, उन्होंने आके उठाया मुझे, बोला कि रेडी हो जाओ। मुझे पता नहीं था हम इतनी सुबह निकलने वाले हैं, तो फट से उठे और अपना बैग रेडी किया हमने। और ये छोटे छोटे जो मेकअप बैग हैं ये भी रेडी किए। एक वो लिफाफा बन गया, 75 लीटर का बैग है और इसमें भी सामान नहीं पड़ा अच्छे से। तो निकलने का प्लान है, सारे के सारे उधर रेडी हो रहे हैं। और रूमी भैया भी उठ के नीचे गए हैं क्योंकि रूमी भैया को आज मैंने जल्दी जगा दिया। रूमी भैया की नींद आज पूरी नहीं हो सकी मेरी वजह से, तो वो वापस आएंगे शायद। जिम जा रहे हैं अभी सुबह 8 बजे जाते हैं या 7:30 तक। अभी मैं बैग को सही से टाई करता हूँ और मेरे फ़ोन की बैटरी है सिर्फ 20%, तो इसको लगाता हूँ 20 मिनट तक चार्ज पे। होप कि बैटरी थोड़ी चार्ज हो जाए क्योंकि रास्ते में व्लॉग करना पड़ेगा और मुझे गाड़ी में बैठ के गाने सुनने हैं। हाँ, क्योंकि ऐसे टाइम नहीं निकलेगा अच्छे से, ऐसा रहता है पता भी नहीं चलता सफ़र का कैसे निकल गया कैसे नहीं। ये आज का लास्ट व्लॉग है ऑफिशियली मेरा यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है। एंड तो कल का व्लॉग आपने देखा हो गया था यहाँ पे, तो आज ये व्लॉग यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, वो भी लास्ट वाला। तो विदाउट एनी फर्दर डू मैं लगाता हूँ फ़ोन चार्ज पे और सामान को अच्छे से करते हैं पैक। तो उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से शायद रास्ते में या फिर निकलते टाइम पे। निकलने का टाइम आ गया है, बालों को ख़राब ही रहने दो। मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया और वैसे ही उठा के मैं व्लॉग कर रहा हूँ। अभी निकलते हैं यहाँ से, नीचे से बुलावा आ गया है। तो हमारा मेकअप बैग रेडी है, बैग रख दिया मैंने गाड़ी में। जम्मू को मिस करूँगा और ये शादी सबसे मेमोरियल शादी थी लाइफ में। मैंने जैसे पहले व्लॉग्स में बताया, मैं कितने अरसे से किसी भी शादी में नहीं गया था और अचानक से मैं आ गया, यहाँ पे प्लान बन गया और बेस्ट एक्सपीरियंस रहा लाइक। और दैट्स इट, कुछ है ही नहीं वर्ड्स बोलने को यार। पहली बार मुझे जम्मू में आके ना वो लगान सी होगी, जाने से ना थोड़ा मन पीछे पीछे कर रहा है, पर मैं एक व्लॉगर हूँ और मेरे को ऐसे पीछे पीछे मन करेगा और मैं जगहों से अगर अटैच होने लगा तो फिर व्लॉग कैसे कर पाएंगे, नहीं कर सकते ना। तो हमें ना सख्त बनना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि बड़ी दूर दूर तक जाना है, तो उसके लिए अगर हर जगह अटैचमेंट होने लगी तो सही नहीं रहेगा। तो आएंगे वापस हम कुछ अरसे के बाद, अपने पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट की वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी हमें, तो शायद उन दिनों में एग्ज़ाम ना हो जाए। अगर एग्ज़ाम नहीं हुए तो फॉर श्योर हम वापस आएंगे। ऑल सेट, गुड टू गो। और बाहर अभी धूप तक नहीं लगी और हम निकल रहे हैं। धार का सुबह सुबह का मॉर्निंग व्यू, कुछ सेंस है इस बात का? ये सूखा हुआ नाला है, ये भी किसी ज़माने में ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे पानी रहा हो। इतना खूबसूरत लगता होगा ना पूरा, यहाँ से पानी बहता हुआ साइड पे, ये पहाड़ से बने हुए पूरी की पूरी, यहाँ पे ऐसे मिट्टी है, रेत जमी हुई, पहाड़ बनी हुई, पत्थर गोल हैं, इसकी वजह से यहाँ पे लग रहा है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो यहाँ पे पानी रहा होगा। ये पूरी की पूरी लेक रही है और इसीलिए यहाँ पे इतना जंगल भी है। लाइक हमने ना EVS में पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में, तभी पता है शायद थोड़ा। आशु उठ के बाहर आ गया, आशु की रात को नींद पूरी नहीं हुई, आशु सो रहा था, एकदम से जगा लिया आज। मुझे गाड़ी में थोड़ा सा मन ख़राब हो रहा था तो मैं बाहर आया और ये देखो मेरी कंपनी के लिए कौन आया यहाँ पर। अभी उनकी चल रही है पीछे चाय ब्रेक, वो चाय पी रहे हैं, पर मेरा कुछ भी खाने पीने का भी ज़रा सा भी प्लान नहीं। अगर मैंने थोड़ा सा भी कुछ खाया पिया तो हालत बिगड़ सकती है। चलते हैं, हम बैठते हैं गाड़ी में और एयरफोन्स लगाते हैं अपने। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आज का सफ़र मेरा थोड़ा सा ख़राब जाने वाला है। बाय द वे सुरनकोट तक पहुंच जाते हैं, मैं डायरेक्ट सुरनकोट जा रहा हूँ, घर पे नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे को कल से या परसों से कॉलेज जाना पड़ेगा। तो कॉलेजेस लगे हुए हैं, आगे एग्ज़ाम्स ऑफलाइन हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात वो है। तो या लेट्स गो। आज का थर्ड या सेकंड इसको आप स्टॉप कहो, ये लिया है हमने राजौरी में। मेरे साथ है आशु, वो जाके हिल टॉप पे खड़ा हो गया। यहाँ पे पत्थर ही पत्थर है, मैं भी हिल टॉप पे हूँ।
ये पीछे यहाँ पे हमारे जो मकान आप देख रहे हो, यहाँ पे आए हैं बशीर अंकल, जो मेरे फूफा जी हैं, एक फातिहा के लिए। मैं थोड़ा चढ़ के ऊपर आ गया और वहाँ पे मुझे सांस भी थोड़ी चढ़ गई थी, इसलिए थोड़ा रुका हूँ। ये मेरे पीछे जो एग्जैक्ट यहाँ पे ये जगह है, यहाँ पे है BGSPU, जो कि यूनिवर्सिटी है, अगर किसी को नहीं पता तो, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, ये राजौरी में है। इस जगह का एग्जैक्ट नाम मुझे बताया था बशीर अंकल ने, कुछ कोर्ट कुछ ऐसे आगे था, मुझे भूल गया फट से नाम। यहाँ पे ये जगह मुझे इतनी खूबसूरत लगी, आगे से ऐसे दरिया जा रहा है और आगे पूरे के पूरे लोगों के खेत हैं और हिल टॉप के ऊपर साइड के ऊपर ये मकान है और फ्रंट व्यू इतना ज़बरदस्त है। यहाँ पे एग्जैक्ट हवा चल रही है ऐसी वाली जैसी हमारी फाफड़ा नाड़ में चलती होती है, उतनी तेज़ तो नहीं चल रही बट स्टिल इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, कितना ज़्यादा मन लग रहा है। मैंने सोचा था यार पता नहीं कैसी कैसी जगह होगी, वहाँ पे बशीर अंकल रुकेंगे लगभग 1-2 घंटे तक, तो मेरा टाइम कैसे पास होगा वहाँ पे। और पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे हैं इतने अच्छे वाले बादल, और ऐसा हो सकता है कि बादल देखूँ और मैं ऐसे स्नो कवर्ड माउंटेन्स देखूँ और मैं उनका टाइम लैप्स ना लूँ, ऐसा हो सकता है, कभी नहीं। मैं यहाँ पे बैठ के कुछ देर तक व्यू एंजॉय करता हूँ, तब तक आप ये टाइम लैप्स वाला अच्छा सा जो शॉट मैंने बनाया है ये एंजॉय करो। टाइम लैप्स इन 3, अरे यार, टाइम लैप्स इन 3, 2, 1। वो पीछे वाले सारी सीनरी है जिसकी मैं अभी तक टाइम लैप्स ले रहा था, जो अभी आपने देखा, और ये यहाँ का फ्रंट व्यू था जो मैंने उसके बाद सिनेमैटिक में दिखाया। अभी मेरे फ़ोन की बैटरी होगी अब 12%, क्योंकि रात को मेरे को बैटरी बिल्कुल भी चार्ज करनी याद ही नहीं रही, तो अभी चलते इसी घर पे जाके मैं फ़ोन चार्ज करूँगा और आशु को कुछ खिला पिला लेते हैं, इसको लेके हम चार्ज करते हैं कहीं पे, चार्जिंग पे लगाते हैं और थोड़ा हम भी रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद शायद निकलें। अगर फ़ोन की बैटरी चार्ज ना हो सकी, डेड होगी, तो सीधा मैं सुरनकोट में मिल पाऊंगा, इससे अच्छा है मैं थोड़ी सी बैटरी अगर चार्ज कर सकता हूँ कर लेता हूँ, नहीं तो सुरनकोट में ही मिल पाएंगे फिर। मच 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 लेटर। ये हमारा प्यारा सा जड़ा वाली गली का चौक, यहाँ से इधर को जो रोड निकलती है स्ट्रेट वो जम्मू, और इधर से जो राइट मुड़ती है, लेफ्ट बोलने लगा था, वो निकलती है मेंढर को। और ये देखो, ये है यहाँ पे पीर पंजाल का व्यू, इवनिंग व्यू ऑफ पीर पंजाल माउंटेन्स, देखो लाइक स्नो कवर्ड माउंटेन्स कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं ना। अभी अगर मैं कुछ देर पहले पहुँचता यहाँ पे तो डेफ़िनेटली मैंने ना सनसेट होते टाइम का, जो जब रेड रेड हुए होते हैं या येलो येलो हुए होते हैं पूरे के पूरे माउंटेन्स, तब का मैंने पूरा टाइम लैप्स लेना था, पर अनफॉर्चुनेटली हम थोड़े लेट पहुँचे क्योंकि हम राजौरी रुक के थे, वहाँ पे हमारे फूफा जी को कुछ काम था। और ये हमारा समोट का गाँव, समोट या सुरनकोट एग्जैक्टली मुझे भी नहीं आज दिन तक पता, और ये पूरा का पूरा आ गया सुरनकोट का टाउन हमारा, उस साइड पे है। और मैंने यहाँ से अभी निकलना है सीधा नीचे वाले रास्ते, वहाँ से पैदल आगे, मतलब काफ़ी दूर है समझ लो, और शाम पड़ गई है, जाके मैंने खाना बनाना है, जो कि खाना बनाना मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला काम लगता है। और मेरे पीछे मेरा 75 लीटर का बैग लिटरली पूरा का पूरा भरा हुआ है। अभी चल के सबसे पहले मेरा यही काम होने वाला है कि कुछ सफाई करेंगे अंदर की, ये बैग में जाके अंदर डंप करूंगा, उसके बाद चलेंगे बाहर से ही आज खाना लाएंगे कुछ बना बनाया, और पूरी की पूरी सफाई करेंगे। और सबसे पहली बात तो जाके मुझे यूनिफॉर्म रेडी करनी पड़ेगी क्योंकि कल कल हमने जाना है कॉलेज, और कॉलेज का व्लॉग भी बनाने वाले हैं। उसके बाद मैं एक स्पेसिफाइड व्लॉग बनाऊंगा अपने कॉलेज लाइफ के ऊपर। बाय द वे, मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी क्योंकि रात को मैंने फ़ोन चार्जिंग पे नहीं लगाया, मैं ऐसे ही सो गया था। तो यहाँ पे आके जफर भाई की शॉप पे, जैसे ही गाड़ी से उतरा, पहली बात मैंने यही की कि चार्जर निकाला, जाके उनकी शॉप पे मैंने फ़ोन लगाया चार्जिंग पे, और वो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, एंड पहली बात तो ये वो हमारे दोस्त हैं, तो उनकी शॉप पे जाके मैंने फ़ोन चार्ज किया। चार्ज करने के बाद मैं यहाँ पे आया और पहले व्यू दिखाने वाली बात करी, और फिर मैंने सेकंड कुछ बात करी है आपके साथ जो मैं अभी कर रहा हूँ। अभी निकलते हैं यहाँ से नीचे, पैदल बहुत ज़्यादा रास्ता, और जाके सफाई भी करनी है मुझे और खाना भी लाना है, और लाइक बहुत सारे काम अकेले रहने की ये सबसे बड़ी बात होती है। वेल, जड़ा वाली गली से जैसे ही मैं नीचे उतरा तो मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं करा क्योंकि बैटरी बहुत ज़्यादा कम थी एक तो, और मुझे भूख लगी हुई थी क्योंकि दिन को मैंने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि आधे टाइम पे थोड़ा सा मन खराब हो गया था जिसकी वजह से मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हुई थी। वो तो शुक्र एक बंदे का जो मुझे मिल गए, और कुछ देर तक हमने व्हाट्सएप पे बात करी, उसके बाद मन थोड़ा ठीक हो गया। तो लाइक होते हैं ना कुछ पॉजिटिव वाले बंदे, वो वाले बंदों में से एक।
तो अभी मेरा हाल बिल्कुल वैसा का वैसा है। रूम आके मैंने थोड़ा ठीक किया है, सफाई वफाई की है, गंद वहां पे एक जगह पे रखा हुआ है, इसको जाके बाहर डंप करना है। और बैग में से जितने जितने गंदे कपड़े थे सभी के सभी बाहर निकाले हैं और वो डालने हैं मैंने धोने के लिए। ऑल दो रूम की हालत बहुत ज्यादा खराब हुई पड़ी थी, लाइक दीवारों से वो क्या बोलते उसको पपड़ी सी वो उतरी थी, वो मैंने ऐसे उतार उतार के वहां पे रखी है ढक्कन में एक में, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं है वो गंद उठाने के लिए जो होता है, मेरे को नाम नहीं आता, कमेंट करके बता देना अगर आपको नाम आता है। तो ये था मेरा आज का सफर। मैं व्लॉग इसलिए बहुत कम कर पाया क्योंकि बात यू हुई कि मैंने सुबह जैसे पहले बताया फोन चार्ज नहीं करा हुआ था, यहाँ पे आके चार्ज करा, फिर जो गाड़ी में जो उसका बोल्ट लगा हुआ था तो वो टाइप सी टू सी नहीं था और मेरा फोन जो है सी टू सी लेता है, तो सी टू सी में नहीं बैटरी में चार्ज कर पाई क्योंकि उसमें सी टू सी का कनेक्शन नहीं था। तो इसलिए आगे वो मैंने जड़ा वाली गली चार्ज करा। यूनिफॉर्म ठीक करके रखेंगे, कल हमने कॉलेज की तरफ निकलना है तो कॉलेज का भी व्लॉग बनाना है, उसकी भी तैयारी करनी है। ऑल दो कपड़े सारे के सारे गंदे निकल गए हैं, अब ये भी मैंने डालने हैं धोने के लिए, तो कपड़े भी धोने पड़ेंगे। लाइक आज का व्लॉग बहुत ज्यादा शॉर्ट इसीलिए बनाया, जम्मू से यहाँ तक बहुत कुछ था शूट करने को, लाइक सुंदरबनी का एरिया था पूरा का पूरा शूट करने को, और नौशहरा का एरिया था, और राजौरी का एरिया था, चिंगस सराय जो सबसे बड़ी जगह थी वहां पे भी हम शूट कर सकते। तो इवन जो आशु के मामू हैं उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मतलब यहाँ पे आओ, यहाँ से आए हो अभी मत जाओ, यहीं पे रुको 2 दिन तक, घूमो फिरो, व्लॉग बनाओ और फिर जाना। फॉर श्योर शराज भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, हम वहां पे आएंगे सून इंशाल्लाह और 3-4 व्लॉग बनाएंगे। बहुत अच्छी अच्छी जगह है राजौरी में और काफी सारे बंदे मिलने को बोल रहे थे, तो जब भी मैं राजौरी में पहुंचा स्टोरी डालूंगा, सभी के साथ मिल के हम व्लॉग बनाएंगे। खाना मैं बाहर से ले आया था खाने के लिए, तो अभी खाना खाते हैं उसके बाद बैठते हैं एडिटिंग पे, एडिटिंग करनी है फिर व्लॉग अपलोड करना है, और कल सुबह कॉलेज भी जाना है, कॉलेज के लिए भी तैयारी करते हैं। तो आप उस जो होने वाली है अनाउंसमेंट उसके लिए वेट करो। यही था आज का व्लॉग, होप यू गाइस एंजॉयड। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।